और गोविंद ठाकुर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गोविंद, सीएम की तरफ से एक दिशा निर्देश सामने आए हैं, स्थानीय प्रशासन से उन्होंने बात की है कि कहां हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां मदद की जरूरत सबसे पहले। जी हां, बता दें कि सीएम के इस बात के बाद, सीएम के इस बयान के बाद पूरे मुंबई के जहां जहां भी निचले इलाके हैं वहां पे सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जो भी सिस्टम होते हैं एक बाढ़ से निपटने की, एक वाटर लॉगिंग से निपटने की, वो सारे सिस्टम जी। तो गोविंद से हमारा संपर्क टूटा है क्योंकि मेन रोड है और करीब हम रोड से 5 फीट ऊपर है। इतना पानी भरा है कि जो ये चौक है, चौक भी पानी से डूब गया है। यहाँ पे पुलिस के बंदोबस्त लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई थी लेकिन बैरिकेटिंग इस पानी की धार के आगे नहीं टिकी और वह सब्वे के अंदर बह गई है। जो सब्वे के पास के मकाने हैं, जो दुकानें हैं, उन दुकानों में पानी भरा हुआ है, लगातार भरता जा रहा है। लोग अपने नीचे के मकान छोड़कर ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, पुलिस का बैरिकेट इतना भारी भरकम लोहे का बैरिकेट है जो कितनी स्पीड में सब्वे के अंदर बहता हुआ आपको नजर आएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए इसे सब्वे के बाहर रोड पर लगाया गया था लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी सुरक्षा के लिए जो सिस्टम लगाए गए थे नहीं है, जो पानी में न बह गया हो। इतना ही नहीं, जो नाला है, नाला आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी भरा है कि ऊपर से, नाले के ऊपर से वाटर फॉल होते हुए आपको दिखाई देगा। जो दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ, इधर की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए सड़क है मेन और इस सड़क पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं पानी के अंदर डूबी हुई नजर आएगी आपको। एक दो नहीं है गाड़ियाँ, कम से कम 5-6 गाड़ियाँ हैं जो पानी के अंदर इस वक्त डूबी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के जवान जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे पुलिस के जवान खड़े हैं, अभी भी जो सब्वे की तरफ आने वाले लोग हैं उन्हें इस मार्ग पर आने के लिए रोक रहे हैं, इस रास्ते से आने के लिए रोक रहे हैं। फिलहाल सब्वे की हालत ऐसी है कि चाहे वेस्ट का इलाका हो या ईस्ट का इलाका हो, दोनों तरफ नदी का रूप पकड़ा हुआ है और साथ में तेज धार के साथ पानी का बहाव यहाँ पर देखा जा रहा है। खतरे की निशानी जो होती है सब्वे में पानी भरने की, उस खतरे की निशानी से ऊपर इस वक्त सब्वे के अंदर पानी भर चुका है। फिलहाल आज सुबह से बंद कर दिया गया था सब्वे को लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसके बाद से परमानेंट आज के लिए पूरी तरह से इस सब्वे को क्लोज कर दिया गया है। लोगों को सब्वे के आसपास के इलाके से दूर जाने के लिए सलाह दी जा रही है क्योंकि पानी का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। जो बारिश है वो बारिश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बारिश लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जो ऐसे हालात रहे तो सिर्फ अंधेरी सब्वे है, मलाड सब्वे में भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है, मिलन सब्वे में भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। दहिसर के SB रोड पर फिलहाल इसी तरह के कुछ मंजर देखने को मिले हैं और भी कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इसी तरह का जल जमाव, इसी तरह का परिस्थिति निर्माण हुई है। लेकिन अंधेरी सब्वे की, अंधेरी की सड़क की बात की जाए तो यहाँ पर हालात बेहद नाजुक है। अंधेरी की सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, करीब 4 फीट तक ऊंचा पानी है। पानी के साथ साथ बहाव इतना तेज है कि एक खौफनाक दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गोविंद, भयानक तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोविंद, ये सब्वे के इलाके हैं, जो सब्वे के इलाके लोकल ट्रेन स्टेशन के नीचे से गुजरते हैं वो इलाकों में इतना ज्यादा पानी है, पूरी नदी बह रही है और हमारे दो सहयोगी इस वक्त मुस्तैद है, डटे हुए हैं, हर इलाके से आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ राजीव भी बने हुए हैं, हमारे साथ गोविंद भी बने हुए हैं, गोविंद ठाकुर, राजीव सिंह बने हुए हैं। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन इस बीच सीएम शिंदे ने, राजीव, बात की है प्रशासन से, जो नीचे के एरियाज हैं, जो लोकल एरियाज हैं उनके प्रशासन से बात की है ताकि लोगों के लिए मुसीबत नहीं बढ़े। हम जगह जगह देख रहे हैं कि पानी के पंप्स भी लगाए गए हैं पानी की निकासी के लिए लेकिन हालात कम नहीं हो रहे हैं, पानी भरता चला जा रहा है। देखिए, सीएम एकनाथ शिंदे और साथ में डिप्टी सीएम अजीत पवार, इन्होंने MMR रीजन में जो विभागीय कमिश्नर हैं उनसे बात की है, जो कोंकण रेंज के डिविजनल कमिश्नर है, साथ साथ में जो हर एक ज़िले के कलेक्टर हैं उनसे बात की है और मुंबई महानगर पालिका के भी कमिश्नर को भी उन्होंने सीधे तौर पर फ़ोन करके बात की और ये साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया है कि मुंबई में कहीं पर भी आम लोगों को समस्या ना हो, जहाँ कहीं पर भी वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पर भी पानी की निकासी की व्यवस्था तत्काल की जाए, BMC के कर्मचारियों को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाए। रही बात मुंबई के बाहर की, तो ठाणे, नवी मुंबई,
और सबसे ज़्यादा ठाणे जिले में ही कल्याण डोंबिवली का जो इलाका आता है वहाँ पर हमेशा भारी बारिश होती है, क्योंकि कल्याण डोंबिवली से उल्लास नदी गुजरती है और वहीं पर वाटर लॉगिंग यानी कि अगर नदी ओवरफ्लो होता है तो जो शहरी इलाका है वहाँ पर पानी बड़े पैमाने पर भर जाता है। इसलिए कल्याण के थाने के जो कमिश्नर कलेक्टर हैं उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि कल्याण डोंबिवली में खास तौर पर नज़र रखी जाए। थाने का जो शहरी इलाका है वहाँ पर ब्रिज के नीचे और सड़कों पर खास तौर पर जो सर्विस रोड है वहाँ पर पानी भरता है, उसके लिए थाने के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उनको बताया गया है। इसके अलावा रायगढ़ के कलेक्टर को ये कहा गया है कि जो नदियां हैं चूंकि वो उफान पर है, ऐसे में अगर कहीं पर लोग फंसे हैं जो ग्रामीण एरिया है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया जाए। अगर लोग फंसे हुए हैं उन्हें मदद की ज़रूरत है, खाने पीने की दिक्कत हो रही तो वो भी मुहैया करवाया जाए। तो रायगढ़, मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे ये चार जिले हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन पुणे इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश की मार झेल रहा है। पुणे के भी कमिश्नर चाहे वहाँ के पुणे इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, राजीव भी बता रहे हैं, और पुणे में 3 लोगों की जान भी चली गई है। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।